नाम बताओ उसका। पुष्पराज। जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज रिलीज होने के हफ्तों हफ्तों बाद तक अपना बजट तक नहीं निकाल पाती, वहाँ पर पुष्पा भाव ने भोकाल मचा रखा है। रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 हिट हो चुकी है। कैसे? चलो आज के वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखना और पुष्पा भाव के नाम पर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हाय गाइस, मैं हूँ आरजू सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चैट कल। देखो यार, बात ऐसी है कि भाई पुष्पा भाऊ आने में थोड़ा सा देरी कर रहे हैं, इंतजार करा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भोकाल कम हो गया है। तुम्हें पता है पुष्पा के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 270 करोड़ रुपए में खरीदे हैं और मूवी का बजट सोचो कितना, 500 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं है। अब उससे पहले ही अगर मूवी इतना सारा कलेक्शन कर लेगी तो भाई मूवी अपने पहले दिन पर कितनी कमाई करेगी ये सोच कर देखो। रिलीज से पहले ही ये मूवी हिट हो चुकी है और ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई, चौथी सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है ये इस टाइम पर जिसने रिलीज से पहले इतनी कमाई की है। इससे पहले तीसरे नंबर पर KGF 2 आती है जिसके राइट्स प्राइम वीडियो ने 320 करोड़ रुपए में खरीदे थे। दूसरे नंबर पर कल की आती है प्रभास की, जिसको दो प्लेटफॉर्म ने खरीदा था, 175 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स ने खरीदा था और 200 करोड़ में प्राइम वीडियो ने खरीदा था। तो कुल मिलाकर 375 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी इनकी रिलीज से पहले ही। अब पहले नंबर पर राइट्स आते हैं RRR मूवी के और इसको नेटफ्लिक्स Z5 हॉटस्टार ने 385 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस हिसाब से चौथी सबसे महंगी फिल्म बन जाती है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जिसके राइट्स इतने ज्यादा महंगे बिके हैं। अब अगर तुम इन चारों पांचों फिल्मों को देखो तो यार इसमें बॉलीवुड की मूवीज कहीं मिसिंग है, आसपास भी नहीं है भैया, सारी की सारी साउथ की मूवीज हैं, जहां पर बॉलीवुड स्टार्स अपनी मूवीज इन प्लेटफॉर्म के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि रिलीज कर दीजिए, इनसे पैसे लेता होगा नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स यहाँ पर साउथ की मूवीज को इतने इतने पैसे में खरीद रहा है क्योंकि यार कॉन्टेंट में दम है साउथ वालों के, तभी तो इतने महंगे राइट्स बिक रहे हैं। वायलेंस लाइक्स मी भाई, मूवी की हाइप इतनी ज्यादा है कि क्या ही बताऊं यार। 6 मिनट के एक सीन के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा के मेकर्स हमारे लिए किस हिसाब की मूवी लेकर आने वाले हैं जिससे कि हम ऑलरेडी इसके फैन बने जा रहे हैं। और इस पूरे सीन को शूट करने में करीब 1 महीना लगा था। अभी तो सिर्फ पुष्पा के डिजिटल राइट्स बिके हैं। अगर मैं इसके म्यूजिकल राइट्स के बारे में बात करूं तो टी सीरीज ने थोड़ा टाइम पहले 60 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो साउथ की मूवी पहले दूसरे दिन में ही कमा कर चली जाती है, इस हिसाब से पुष्पा भाव का भोकाल मचा हुआ है। और वैसे भी ये भोकाल पहले पार्ट से जिंदा है। तुमने देखा होगा जब पहला पार्ट आया था तब कोविड का टाइम था, ज्यादा मूवीज थिएटर में रिलीज नहीं हो रही थी और जब पुष्पा रिलीज हुई तो इसने 125 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। तो पुष्पा के लिए इस बार 500,000 करोड़ करना तो वो छोटी बात है, बाकी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। तुम बताओ कि तुम पुष्पा भाव के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। मैं मिलूंगी दोबारा एक वीडियो में, तब तक तुम सिर्फ एक काम करो यार, फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।